गई और अब हुड्डा क्या कहना चाहेंगे, साल का पहला गाना है और बजवा सेना है, हमने देखा कितना बड़ा सुपर हिट था, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले हुड्डा के बारे में बताइए हमें कि किस तरह का गाना है क्या? ये रीज़न ही ये था कि क्योंकि इतना इतना स्पेशल सॉन्ग है और इतना चर्पी इतना क्यूट गाना है, तो हम चाहते थे कि साल की शुरुआत इसी से की जाए और ये संजय सर का बहुत अच्छा आइडिया था, बिकॉज अगर इट वाज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल इनपुट कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा विद मुंडा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. और बजवा शहनाई ने दिवाली के टाइम पे खूब धूम धड़ाका कर दिया एंड द वेडिंग सीजन इज स्टिल गोइंग ऑन, सो आई एम हैप्पी दैट एवरीवन इज जस्ट लविंग द सॉन्ग. और वो गाना अभी भी शादियों में बजना शुरू हो गया है, लोग उस पर डांस कर रहे हैं, उसका हुक स्टेप इतना यूज़ कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट और मुंडा में भी ऐसा ही होगा, थोड़ा नटखट, थोड़ा प्यार, थोड़ा छेड़खानी. सर, एज अ प्रोड्यूसर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साल का पहला गाना लॉन्च किया आप लोगों ने और लोग जो है यहाँ का रिस्पॉन्स तो हमने देखा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? साथ में अगर देखा जाए हमको ऐसा करना है कि हर वक्त और हर महीने एवरी क्वार्टर एटलीस्ट एक नया गाना देना है जो लोगों को पसंद आए और लोगों का मूड उसे और अच्छा हो जाए. एंड व्हेन इट कम्स टू हिट्स, वी ऑल लुक फॉरवर्ड फॉर हिट्स, क्योंकि किसको हिट्स नहीं चाहिए होते, सबको हिट्स चाहिए होते हैं. और अगर लोगों को चीज़ पसंद आए वो अपने आप हिट होने होनी है. क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा उमेश जी का और अनुजा जी का, सर का थैंक यू, और सिंगर सर का जिन्होंने इतनी बड़ी एक मुझे दी. थोड़ा लाउड, थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा लाउड. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उमेश जी का, अनुजा जी का और सर का और सुंदर चौहान जी का जो कि डायरेक्टर हैं. और जैसे कि गाना आपको पता है लव स्टोरी है, बड़ा अच्छा है और इसमें मेरे को देख के कोई लगता नहीं कि मैं यार प्यार व्यार का मेरे चेहरे से मेरे को देख के लगता, तो वो थोड़ा सा उस इमोशन को उस प्यार को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, पकड़ने में चीज़ों को टाइम लगा, लेकिन जब हाथ में आई तो बड़ी स्मूथली निकली वो चीज़ें. एज एन एक्टर मैं एक्सपीरियंस किया है कि मतलब जब वो चीज़ें हाथ में आई तो बड़े स्मूथली निकली और बड़ा मतलब, और आज देखा ही आप लोगों ने तो बहुत अच्छा हुआ. हाँ, बहुत अच्छा हुआ. तो आपसे जानना चाहूँगा कि लोग कनेक्ट करेंगे गाने से जो यूथ है हमारे देश का, स्पेशली जिस तरह का गाना है जो जैसे स्टार्टिंग में है, जो एंकर ने भी कहा कि बहुत सारे लोग अपनी कॉलेज की लव स्टोरी से और बहुत सारी स्टोरीज से कनेक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहानी मेरे ख्याल से जो भी कहानी हम करते हैं, कभी भी कहानी बनाने का हमारा मोटो ये रहता है कि एवरीबडी शुड रिलेट विद द स्टोरी लाइन, देन ओनली यू आर अहेड. अदरवाइज इफ देयर आर लूप होल्स, आप नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए आप नहीं कर सकते. ये हमारी कोशिश होती है एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, आप किसी भी फील्ड में हो, जब आप कुछ भी बनाते हो तो आपको वो रिलेटेबिलिटी आपको अपने काम के थ्रू शो करनी पड़ेगी, चाहे वो गाना हो, चाहे वो पिक्चर फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो थिएटर कर रहे हो आप, या कोई भी लाइव आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, यू नीड टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. सो हमने अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से लिखा है गाना, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉम्पोजिशन वैसी की है जो आजकल चल रही है, लोग जैसा गाने सुन रहे हैं और जिस तरीके का रिस्पांस आप लोगों से मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि और मैं होप करता हूँ कि गाना बहुत अच्छा होगा और थैंक यू सो मच. ऑल्सो जैसे मैंने संजय सर को पूछा था रिस्पांस के बारे में, जिस तरह का रिस्पांस आज मिला है ऑडियंस से, कितनी खुशी होती है कि फाइनली लोगों को पसंद आ रहा है गाना, हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो पसंद आ रहा है. खुशी तो डेफिनेटली, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई हल्का सा भी अप्रिशिएट कर देता है तो ही हम लोग इतने खुश हो जाते हैं. तो जब बहुत सारा प्यार मिलता है तो सोचिए कितनी ज़्यादा खुशी होगी. सो क्योंकि क्या होता है कि इट्स एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन है, इंसान है, और इंसान हमेशा एक रिस्पॉन्स का, एक अप्रिसिएशन का भूखा होता है. इफ़ आई एम राइट, वी स्टिल आर ह्यूमन बींग्स एंड दीज आर द नॉर्मल ट्रेट्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, कि हमने कुछ भी थोड़ा सा भी किया है तो यहाँ तो सब ने अपना जी जान मिलकर डाल दिया है इसको खूबसूरत आउटपुट बनाने में. शेर मैं कहता हूँ अपने लाइव शोज में हम लोग एक शेर हाँ, बोलते हैं कि correct. वो शेर ये है कि बहुत लाइट शेर है, मैं कोई बहुत बड़ा शायर तो नहीं हूँ, कि आपकी ये मोहब्बत हमारे एहसास का काम करती है.
आपकी ये मोहब्बत हमारे एहसास का काम करती है। कलाकार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कलाकार किस चीज़ का भूखा होता है। आपकी ये मोहब्बत हमारे एहसास का काम करती है, और जब बजती हैं आपकी ये खनकदार तालियाँ तो ये हम सभी कलाकारों के लिए डाबर च्यवनप्राश का काम तो ये ऐसी बात है, आप समझिए। मतलब यदि आपने अपना कुछ चीज़ सामने पब्लिक के रखी है वो अप्रिशिएट होगी तो डेफिनेटली यू गेट मोटिवेटेड टू गिव समथिंग एल्स। यार करना है करना है, तो ये वैसी वाली बात है। ये तो उनका शायरी सुन सुन के लाइव शोज में मैंने बहुत यूज़ करना शुरू कर दिया, जहाँ लगता है कि अभी थोड़ा सा माहौल तो तुरंत ये डाबर च्यवनप्राश वाली शायरी है ऑलवेज कम्स इनटू द पिक्चर। सो आपसे जानना चाहूँगा कि डांस मूव्स भी देखे हमने इसके अंदर, थोड़ा सा बताइए कि कितना चैलेंजिंग या फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पूरी टीम के साथ फिर से कोलैबोरेट करना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, पहला जो सॉन्ग आया वो सेकंड कोरियोग्राफ हुआ था, पहले ये कोरियोग्राफ हुआ था। सो पहली बार जब मुझे चैलेंजिंग इन द सेंस, चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं था, ऐसे था कि जब कर रहे हैं तो फ्लो फ्लो में होते गया। एंड अनुजा वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया हम लोग ने स्टेप सीखना स्टार्ट किया, कोरियोग्राफी होती गई एंड मज़ा आता गया। जोगिंदर के साथ में भी वी हैव वर्क, ये करना है वो करना है, जोगिंदर थोड़ा सा ट्रबल होता था बट देन ही वॉज लाइक नहीं नहीं करते करते नो प्रॉब्लम करते हैं। एंड फ्लो फ्लो में बहुत मज़ा भी आ गया, भरी गर्मी थी वहाँ पर और उस गर्मी में थक सब रहे थे, बोल कोई नहीं रहा था एंड सब एंजॉय कर रहे थे, अपने काम को काम में लगे हुए थे। एंड यू नो मैं और उमेश दोनों एक चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है, वी एंजॉय वर्किंग विद देम। स्पेशली मैं मेरे बारे में अगर बोलूँ तो मैं तो उन्हीं के साथ में काम करना पसंद करता हूँ जो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यज्ञेश ने ना एक्चुअली हाईलाइट कर दिया दोनों बार एंड आई एक्चुअली मिस्ड टॉकिंग अबाउट इट कि गर्मी वॉज सच अ बिग फैक्टर। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब हमको पता नहीं क्या ही सूझा कि जून में जाकर और शूट करेंगे, मतलब जून एंड राजस्थान द पीक टाइम ऑफ इट, सो इट वॉज लाइक रियली नॉट अ वेरी गुड डिसीजन इन ऑन दैट फ्रंट। लेकिन शायद आपको पता नहीं लग रहा होगा कि हम इतने तकलीफ में और इतने इरिटेबल होकर काम कर रहे थे, जो एक दूसरे के ऊपर इरिटेशन निकल रहा था। एंड यज्ञेश बॉम्बे आके वापस बोलता है मुझे पहचान नहीं रहे मेरे घर वाले, मैं पूरा टैन हो चुका हूँ, नो वन इज आइडेंटिफाइंग मी। जहाँ टाइम मिलता था हम जाकर छाँव ढूंढते थे, भाई छाँव में जाके फैन के सामने बैठे, पर एक्सपीरियंस लव टुवर्ड्स आवर वर्क और पैशन टुवर्ड्स आवर वर्क। नहीं बिल्कुल, आई थिंक अब बस चलता ही है सिलसिला। जैसा आपने देखा कि बजवा शहनाई से मुंडा तक का ये सफ़र था, बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र था ये, और पहले ही हो जाता रिलीज, बट हम वेट कर रहे थे फॉर 2024 एज यू राइटली सेड। तो ये होता है कमिंग, मतलब कोई भी न्यू ईयर है तो कमिंग विद अ बैंग, लॉन्चिंग थिंग्स विद अ बैंग, उसका एक अलग ही मज़ा होता है इसीलिए। और ये अब सिलसिला चलता रहेगा हर महीने, हर 15 दिन में, इट माइट बी, बट या दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यू कैन नॉट, ये ख़त्म नहीं हो सकता। लास्टली दो लाइनें हो जाए अगर आपकी आवाज़ में हमारी ऑडियंस। ओके, तेरी वो नदानियाँ और बदमाशियाँ सारा सारा दिन मुझे याद आती हैं, हाय हाय, तेरा मुझे देखना और फिर छेड़ना, छोटी छोटी बातें मुझे यूं सताती हैं, प्यार नाल बोल दे दिल दा रास्ता खोल दे, प्यार नाल बोल दे दिल दा रास्ता खोल दे, जो भी दे तू मुझको दे बता, मुंडा करदा तैनु प्यार लै इजहार करदा, ओ तेरे ना मेरी जिंदड़ी तेरे उत्ते मरदा, मुंडा करदा मैनु प्यार पर इजहार नी करदा, ओ तेरे ना मेरी जिंदड़ी तेरे उत्ते मरदा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज do spread the love through this song the way we have showed to the world. Please keep like our work and
डू ब्लेस अस लाइक दिस द वे यू हैव कम टू विजिट अस. प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ चलते रहिए. सारी मीडिया को हमारी तरफ से, कामाख्या म्यूज़िक स्टूडियोज़ की तरफ से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. मेरा फर्म बिलीफ है इस बात पे कि एट द एंड ऑफ द डे एंड ही इज़ एन एग्जाम्पल, संजय सर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. मुझे ये चीज़ समझ में आती है, वेन यू आर इन द सर्च ऑफ लव दैट इज़ वॉट यू गेट इन रिटर्न. Yeah. If you are in search of any materialistic thing that you get in return, तो हमारा जैसा भाव खुद के लिए होता है, I think वही हम, वही energy और वही expression attract करते हैं. तो I think it's a beautiful world, it's all full of love. तो बस keep spreading love and we try to do the same thing with our music. And again, I'm very happy on behalf of all of us. I'm sharing my feelings with all due respect to each and everyone जो यहाँ पे मौजूद हैं. बस अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनिए, हमें और मौका दीजिए अच्छा अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए. एंड पूरी मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद, सारे लोगों को जो इस इवेंट में आज आए, उनका प्यार था इसलिए वो आए हमारे लिए. सो आई रियली वैल्यू योर टाइम एंड योर प्रेजेंस फॉर दिस इवेंट एंड और ऑल आर फ्यूचर इवेंट्स. थैंक यू सो मच. और डायरेक्टर और डीओपी अभी तो हमारे साथ में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने स्क्रीन पे जो इतने अच्छे दिख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए थैंक यू आस्क दिस क्वेश्चन. एक्चुअली ये पिछली बार भी एक कोइंसिडेंस था कि हमारे डायरेक्टर सत्येंद्र चौहान जी और हमारे डीओपी जो सिनेमागिरी से फेमस हैं, उनका नाम है फैजल सिद्दीकी, वो यहाँ पर हो नहीं पाए बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली फॉर वर्क. लेकिन उनका प्यार और उनका जो एनर्जी था इस गाने को लेके, दैट वाज अमेजिंग. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देम कि उन दोनों के कारण उन्होंने हम लोगों को भी झेला काफ़ी ज़्यादा और हमें बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया कि उन्होंने कि कैसे क्या करना चाहिए. उनका जो एंटायर कॉन्सेप्ट था, उनकी जो स्क्रिप्टिंग थी, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर कि रात को 2-2 बजे तक बैठकर यज्ञेश और सत्येंद्र जी देवर वर्किंग 4 बजे तक. ओ सॉरी, कह रहा 2 घंटे क्रेडिट मत काटो मेरा. 4 बजे तक यज्ञेश और सत्येंद्र जी ने बैठकर इस पे आइडियाज़ करें कि इसको यहाँ दिखा सकते हैं, इस शॉट को ऐसे दिखा सकते हैं, इसकी कहानी ऐसे कर सकते हैं. और सुबह आकर हम लोग कुछ और ही बात करने लग जाते थे, पूरी मेहनत कुछ और ही रंग ले लेती थी. बट नेवरदलेस थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू सत्येंद्र जी एंड फैजल फॉर सच कमेंडेबल वर्क. एंड हम पूरी, एज आई ऑलवेज से, इट्स अ टीम वर्क एंड एक एक जन का कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना दिस वुडेंट हैव बीन पॉसिबल द वे इट हैज़ कम आउट टू बी, वेदर इट इज़ बजवा शहनाई या मुंडा. और हम तो एक कहते हैं ना कि ये सारी पावर के, ये मेरा मानना है और आई थिंक हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि हमारी मेहनत और हमारी जो डेडिकेशन है वो सब मुकम्मल तब होती है जब वो जो सुप्रीम पावर है ना उसकी विशेष कृपा हम पे रहे. एंड बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम पावर आई थिंक थिंग्स बिकम स्मूथ, लाइफ ईजी हो जाती है. और उस सुप्रीम पावर से हम इंसानों को जो कनेक्ट करते हैं वो होते हैं सेंट्स. सो आई वुड रियली वॉन्ट टू थैंक पूज्य स्वामी अभेदानंद जी फ्रॉम चिन्मय मिशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने हमें ब्लेस किया और हर तरह से हमको वो ब्लेस करते हैं कि हम कुछ भी करें तो उन्हें मैं अगर याद ना करूँ तो शायद वो इनकम्प्लीट होगा और वो ग्रैटिट्यूड देना इनकम्प्लीट होगा. सो आई थिंक लव एंड ग्रैटिट्यूड आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी ह्यूमन जो हमें नहीं भूलना चाहिए. सो थैंक्स टू मुंडा एंड थैंक्स टू एंटायर टीम. Thanks to Swamiji, thanks to God, thanks to all the lovely people, all the media and everyone who is a part of this. Thank you so much, everybody. Thank you.